बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर लेक्चर नंबर 6 और क्लास प्री 9th। आवर टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। द वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय नंबर फॉलोड बाय सम सूटेबल यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम उसको कोई नंबर अलॉट करते हैं, साथ उसका यूनिट उसको गिवन दिया जाता है। एवरी मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड इट्स ट्रू वैल्यू। The accuracy in measuring a physical quantity depends upon various factors. Students, ये हमारे पास तीन वो factors हैं जिनके ऊपर किसी भी measurement जिस टाइम हम करते हैं तो उनमें accurate, कितनी accurate है ये measurement, वो इन तीन factors पे depend करती है। The quality of the measuring instrument, जैसे कि हमारे पास meter rule है, उससे एक्यूरेट मेजरमेंट हमें वर्नियर कैलिपर दे सकता है। विद रिस्पेक्ट टू वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज उससे भी ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट दे सकता है। द स्केल ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द थर्ड वन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड, यानी कि हम ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ले लेते हैं देन उसकी एवरेज ले लेते हैं फॉर एन एक्यूरेट वैल्यू। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एग्जाम्पल को डिस्कस किया जा रहा है। एक स्टूडेंट है जिसने एक बुक की लेंथ मेजर की मीटर रूल यूज करते हुए 18 सेंटीमीटर। अब इस 18 सेंटीमीटर में स्टूडेंट्स जो सब वन है दिस इज एक्यूरेटली नॉन डिजिट और 8 आपके पास डाउटफुल डिजिट है। एक और स्टूडेंट ने ऐसी बुक की मेजरमेंट ली मीटर रूल को यूज करते हुए विच इज 18.4 सेंटीमीटर। अब इस केस में आपके पास 1 और 8 एक्यूरेटली नॉन डिजिट हैं जबकि 4 आपके पास डाउटफुल डिजिट है। थर्ड स्टूडेंट ने भी इसी तरह इसी बुक की मेजरमेंट ली, उस बुक उसकी वैल्यू 18.42 सेंटीमीटर आई। इसमें आपके पास 1 और 8 एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हैं जबकि फर्स्ट डाउटफुल डिजिट 4 है। 2 और 5 को हम सिग्निफिकेंट नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन ही ये होती है कि द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स और द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन अ मेजरमेंट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमारे पास एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स 1 और 8 है जबकि फर्स्ट डाउटफुल डिजिट 4 है, दैट्स वाई 2 और 5 को हम सिग्निफिकेंट नहीं कंसीडर करेंगे, द डिजिट 2 और 5 आर नॉट सिग्निफिकेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ मेजर बाई यूजिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट इंक्रीजेज द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड रिजल्ट, जैसे हम बेटर इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करेंगे मेजरमेंट्स के लिए तो वैसे वैसे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी उस मेजर्ड रिजल्ट में। द सिग्निफिकेंट फिगर आर ऑल द डिजिट्स दैट आर नॉन एक्यूरेटली, वो तमाम डिजिट्स जो हमें एक्यूरेटली नॉन होते हैं, एंड द फर्स्ट एस्टिमेटेड या डाउटफुल डिजिट आप कह सकते हैं। मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स मीन्स ग्रेटर प्रिसीजन, द फॉलोइंग रूल्स आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। दीज आर द रूल्स स्टूडेंट्स विच वी यूज टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये भी वही रूल्स हैं एंड दिस इज द रूल्स विद देयर एग्जाम्पल्स। तो हम यहाँ से एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो रूल नंबर 1 है डिजिट्स अदर देन 0 आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। आपके पास 1 to 9 जितने भी डिजिट्स आते हैं वो सब सिग्निफिकेंट हैं। 27 आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें। 275 हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सेकेंड रूल इज जीरोज बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। फर्स्ट रूल में तो हमने ये कहा कि हमारे पास नंबर अदर देन जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन अगर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के सेंटर में जीरो आ जाता है, जीरोज बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट, जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं 2705। अब यहाँ पे यह जीरो भी आपके पास सिग्निफिकेंट कंसीडर होगा, दैट्स वाई 1, 2, 3 and 4 यहाँ पे आपके पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। थर्ड रूल इज फाइनल जीरो और जीरोस आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। आपके पास जो एंडिंग जीरोस होते हैं या आफ्टर डेसिमल जो जीरोस आते हैं स्टूडेंट्स, उनको भी हम सिग्निफिकेंट कंसीडर करते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं 275.00। दीज 2 जीरोस आर आल्सो सिग्निफिकेंट एंड दीज 3 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, दैट्स वाई दिस वैल्यू हैव 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जीरोस यूज्ड फॉर स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। वो जीरोस जो डेसिमल पॉइंट की स्पेसिंग के लिए यूज होते हैं उनको हम सिग्निफिकेंट नहीं कह सकते। हेयर जीरोज आर प्लेस होल्डर्स ओनली, यहाँ पे ओनली जीरोज प्लेस होल्डर का रोल प्ले करते हैं, जैसा कि आपके पास ये 0.03 इसमें आप देख सकते हैं दिस जीरो और ये जीरो दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है, ओनली ये 3 एक सिग्निफिकेंट डिजिट है। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल में 0.027
यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 एंड 7 ओनली, ये दो डिजिट्स आपके पास सिग्निफिकेंट है, दीज 2 जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये आपके पास एक एग्जाम्पल है जिसमें वैल्यू दी गई है 0.002070। अब इसमें ये फर्स्ट 3 डिजिट्स हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4, जबकि 2070 ये तीनों डिजिट्स, चारों डिजिट्स आपके पास सिग्निफिकेंट है। 2 इज फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, 0 चूंकि 2 सिग्निफिकेंट 7 और 2 के दरमियान में आ रहा है, इस वजह से ये भी सिग्निफिकेंट होगा अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2। 7 इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट एंड एंडिंग 0s आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3। नाउ दिस इज एग्जाम्पल 1.4 स्टूडेंट्स, इसमें आपने बताना है कि 3 वैल्यूज आपको गिवन है ए बी और सी पार्ट में, इनमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आप बताएंगे, तो आप साथ इन्होंने क्या है कि इनको एक्सप्रेस करें साइंटिफिक नोटेशन में, तो दैट्स वाई 100.8 इसमें आप देख सकते हैं दीज 2 जीरोज अगर 8 और 1 के सेंटर में आ रहे हैं तो ये भी सिग्निफिकेंट कंसिडर होंगे, दैट्स वाई दिस वैल्यू हैज 4 सिग्निफिकेंट वैल्यूज एंड दी when we write this in scientific notation then 100.8 is equals to, अब पॉइंट को हमने 0 से पहले प्लेस करवा दिया तो पॉइंट को हमने 2 पॉइंट्स मूव करवाया, दैट्स व्हाई 10 raised to power plus 2। अगर पॉइंट को हम राइट से लेफ्ट पे मूव करवाते हैं तो प्लस 2 आता है, अगर हम पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाएंगे तो हम माइनस में वैल्यूज लेंगे। सेकंड आप देखें 0.00580, यहाँ पे ये फर्स्ट 3 डिजिट्स आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू रोल नंबर 4, जबकि 5, 8 and 0 आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, दैट्स व्हाई बी पार्ट में हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स की आपके पास जो तादाद है वो 3 है। अब इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना चाहें तो आप देख सकते हैं इट कैन बी राइट रिटन एज 5.80 (10^-3)। अब देखें स्टूडेंट्स इस पॉइंट को हमने 5 के बाद मूव करवाया तो ये कितनी वैल्यूज मूव किया, पॉइंट 1, 2 and 3, 2 जीरोज और 1 5। 5 के बाद हम पॉइंट लेके आए तो ये दीज 3 वैल्यूज को हम 10^ में लिख लेंगे, लेकिन हम चूंकि लेफ्ट से राइट पे मूव करवा रहे हैं पॉइंट को, दैट्स वाई हम पावर नेगेटिव में लेंगे, आप देख सकते हैं 5.80 × 10^-3। सी में 210.0, इसमें आप देख सकते हैं दीज आर द एंडिंग जीरोज अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3, दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, दैट्स वाई पार्ट सी हैज 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसको जिस टाइम हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट को हमने 2 के बाद मूव करवा लिया 2.100। अब हमने पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करवाया 2 डिजिट्स, एक ये 0 और एक ये 1 क्रॉस करके हमने यहाँ पे पॉइंट को प्लेस करवाया, दैट्स वाई हम 10^+2 लिखेंगे। प्लस 2 क्यों, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट पे मूव करवा रहे हैं पॉइंट को, पार्ट बी में हमने लेफ्ट से राइट पे मूव करवाया था 3 डिजिट्स, दैट्स वाई 10^-3 लिखा था। राउंडिंग ऑफ द नंबर, स्टूडेंट 3 रूल्स होते हैं नंबर्स को राउंड ऑफ करने के, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल अगर आपके पास लास्ट डिजिट 5 से लेस हो तो आप उसको सिंपली ड्रॉप कर देते हैं, जिस तरह हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं 1.943, लास्ट डिजिट इज 3 विच इज लेस देन 5, दैट्स वाई इट इज ड्रॉप्ड एंड अवर राउंडेड ऑफ वैल्यू इज 1.94। इसी तरह अगर आपके पास सेकेंड रूल, अगर लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5 हो तो आप उससे पहले वाले डिजिट को एक नंबर इंक्रीज कर देते हैं, अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें तो 1.47, दिस 7 इज ग्रेटर देन 5, दैट्स वाई हम इससे पहले वाले डिजिट को एक नंबर इंक्रीज कर देंगे, 4 है तो उसको 5 कर देंगे, दैट 1.5। इसी तरह अगर हम इसी रूल में एक और एग्जाम्पल देखना चाहें 2.78, अब 8 आपके पास जो सा है वो ग्रेटर देन 5 है, दैट्स वाई हम उसको ड्रॉप करके उससे पहले वाला नंबर एक नंबर इंक्रीज कर देंगे विच इज 7, तो इंक्रीज करने से 1.8। थर्ड है इफ द लास्ट डिजिट इज 5 देन इट इज राउंडेड टू गेट नियरेस्ट इवन नंबर, अगर आपके पास थर्ड रूल, ये इंपॉर्टेंट रूल है, अगर आपके पास लास्ट डिजिट 5 हो तो आप नियरेस्ट इवन नंबर पे मूव करते हैं। अब ये 1.35 में आप देखें, इसमें हम 0.5 वैल्यूज प्लस भी करेंगे, 0.5 माइनस भी करेंगे, 0.5 इसमें प्लस करें तो 1.4 और 1.5 इसमें से माइनस करें आप लोग तो 1.3, 1.3 इज नॉट इवन, 1.4 इज इवन, तो हम इस वजह से राउंडेड टू 1.4। इसी तरह 1.45 में आप देख सकते हैं, इसमें हम 0.5 वैल्यूज प्लस करें तो 1.5 और 0.5 वैल्यूज माइनस करें तो 1.4, जबकि हमारे पास 1.5 इज नॉट इवन, 1.4 इज इवन, दैट्स व्हाई इट इज राउंडेड टू 1.4। नियरेस्ट इवन नंबर पे मूव करेंगे स्टूडेंट्स जिस टाइम भी हमारे पास लास्ट डिजिट 5 आ जाता है,
That's it. If you have any questions regarding the topic, ask it on the WhatsApp group. Thank you very much, students. Allah Hafiz.